गाजियाबाद में एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की है। महिला के पति के अनुसार महिला काफी दिनों से अपने पति से बच्चों के साथ अलग रह रही थी, जबकि पति सेक्टर 13 वसुंधरा में रहता था। आज सुबह करीब 3 बजे उसके पास फोन आया, उसकी पत्नी ने बच्चों के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। वहीं महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। मतलब लड़ाई झगड़ों को लेकर मतलब 15 दिन 10-12 दिन मेरे घर पे आए, उसके बाद तो मैं नाइट शिफ्ट में ड्यूटी चला गया। उसके बाद तो मैंने ना फोन करा कभी ना कुछ। देखो मैं अभी भी आपको एक मैसेज जरूर करता हूँ, उनके पास सुबह सुबह ये मैसेज जाता है मेरा। देखो कुछ कोई पुलिस की तरफ आपने कोई ये दिया हो कम कुछ नहीं, कंप्लेंट तो नहीं, मतलब एक होता है ना बताने के लिए। कभी नहीं हो गया। अच्छा आपको पता कैसा लगा? मतलब हमें एक बाइट दे दीजिएगा। क्या राजपूत जी, क्या घटना मिली, कैसे जानकारी मिली कि बच्चों के साथ? हमारे डॉक्टर के थ्रू घटना मिली है। ये डॉक्टर का हमारे पास शर्मा का फोन आया था, तो बोले कि ऐसे ऐसे तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे बच्चों ने जहर खा लिया। जी कैसे खा लिया करे ये मुझे नहीं पता, वैसे मैंने पुलिस को फोन कर दिया। इतनी हमारी बात। कहाँ भर्ती कराया, किसने भर्ती कराया? इन्होंने पुलिस भी पहुंच गई थी उस टाइम मैं भी पहुंच गया था, तो पुलिस वाले लेके आए अपनी गाड़ी में और उसके उनके साथ में मैं भी आया। क्या कोई पारिवारिक विवाद किस तरह का? कोई नहीं, कोई किस तरह का विवाद। कितने बड़े बड़े बच्चे आपके? एक बच्चा 17 साल का है, एक बच्चा 8.5 का, एक 7 साल का बच्चा, 3 बच्चे हैं।